वक्त को तराश कर चंद लम्हे बनाए, इन्हीं लम्हों में कुछ सपने सजाए। हर सूं बसंत, हर फूल पे निखार, हर होंठ पे मुस्कुराहट, बस प्यार ही प्यार। याद रखो, सपनों की दुनिया से भी परे एक दुनिया होती है, हकीकत की दुनिया। मेरी बेटी को क्या सिक्योरिटी दे सकते हो तुम? अरे गरीब हो यार, तुम निकलो यहां से। क्या करोगे शादी के बाद? कहां रखोगे मुझे? लेकिन तुम जो रिश्ता बांधने आए हो, मैंने कहा था तुमसे वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। डैड के परमिशन के बगैर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सीमा नाय। हेलो, व्हाट? ये तन्हाई, ये अकेलापन मेरे चारों ओर जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। मैं सोच में हूं कि ये मातम किस लिए है। मेरे दिल में जो उबाल आ रहे हैं वो शायद किसी महासागर ने भी महसूस न किए होंगे। तुमने है जो दिया हमें। शिवा, विशाल आया है। भूल पाए ना कभी, याद करके तेरा नाम। जी रहे हैं हम अभी, क्यों ऐसा हुआ ये दिल टूटा। मंजिल थी सामने जब चलते थे हम साथ में, ये बता है जिंदगी क्यों बन गए हम अजनबी ना जाने क्यों, जाने क्यों। जगदीश साहब, ये बच्ची ने इतना सहन किया है, पता नहीं भगवान इसकी और कितनी परीक्षा लेगा। आगे क्या होगा वो भगवान ही जानता है। यार, मैं सीमा को इस हाल में नहीं देख सकता हूं। आई अंडरस्टैंड दैट। गाड़ी ट्रक से टकराई और ही वॉज डेड ऑन द स्पॉट। सोचा नहीं था कि ये उड़ती हुई पतंग ऐसे कट जाएगी यार। पतंग की तो किस्मत में कटना ही लिखा होता है। कभी अपने कमजोर धागे से या कभी किसी और के मजबूत धागे से। विशाल, सीमा बहुत महीनों से बुरे समय से पास हो रही है। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन रुक जाए यार, उसको भी अच्छा लगेगा। या निहार के कहने से मैं रुक तो गया। जिंदगी भी शतरंज की तरह चाल चलती है। क्या मालूम था बरसों बाद सीमा से मिलूंगा, वो भी इस हाल में। एक रंग बिरंगी तस्वीर थी वो, कोरा कागज बन के रह गई है। थैंक्स विशाल, तुम यहां तक आए। हमारे बीच जो कुछ हुआ था और जिस तरह से तुमने शहर छोड़ दिया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लौटोगे। एक बात कहूं सीमा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। हालात ने हमको दूर कर दिया, लेकिन
लेकिन मैं तुमसे दूर था ही नहीं। सीमा, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। मुझे माफ कर पाओगे विशाल? बात माफी की नहीं थी सीमा, बात मेरे स्वाभिमान की थी। आई नो, समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीती होगी। तरसता रहा तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। रोता रहा, तड़पता रहा, बिलकता रहा, ये सोच के कि तुम किसी और की बाहों में होगी। न कोई दोस्त समझने वाला, न समझाने वाला। एक कॉटन सी होती थी सीमा, घुट गया था मैं, जिंदा लाश बन गया था मैं। बस करो विशाल, मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना प्यार खो दिया। मेरे पति ने मेरी भावनाएं, हसरतें, मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली। एक बात कहूं, कभी उससे प्यार नहीं कर पाई। तो फिर वहां सुसी मां, तुम्हारे लिए बरसों पहले एक गलती कर बैठी थी, उसी का प्रायश्चित थे वो। वो गलती थी या मजबूरी सीमा? एक बेटी मजबूर थी, प्रेमिका गलती कर बैठी। सीमा, तुम्हें याद है हम कैसे और कब मिले थे? सब याद है, एक एक पल याद है, बस वक्त ने पर काट दिए। क्या दिन थे सीमा? हंसी मजाक, जस्ट सेलिब्रेशंस। एक चिड़िया की तरह थी मैं, जस्ट अ फ्री बर्ड।
फिर होगा गुलजार, बरसेगा क्या ही प्यार। सजना के घर जाऊंगी मैं, मीठे मीठे सपने, जब होंगे अपने डोली में होके सवार, डोली में होके सवार। सजना के घर जाऊंगी मैं, मीठे मीठे सपने। अरे साहब, अरे साहब, साहब डोरबेल बज रहा है। तो दरवाजा खोलो ना। मैं? तो मैं खोलूं? अरे नहीं नहीं, मैं खोलता हूँ ना, मैं खोलता हूँ। कमाल, खोल रहा हूँ बाबा। क्या हुआ सीमा? क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है? हाँ, जरा पूछो अपनी लाडली से, इतना गुस्से में क्यों है ये? रेडियो बोल बेटा। जरा पानी लेके आओ, आज गर्मी बहुत है ना सीमा। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? हाँ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट था। क्या यार रिजल्ट, बोल। मुझे पता था यही होने वाला है, बिना सोचे समझे वो कॉलेज में एडमिशन लिया तो यही होने वाला था। मैंने कहा था वो डेल्सन में एडमिशन ले लो, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ सब जानते हैं मुझे, सारे पैसे वालों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई भी नहीं करती तो भी पास हो जाती, मैं करवाता पास। अब मुक्त हो। अरे सीमा, डैड, मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हूँ। Oh my God, मुझे तो शॉक लगा था। हाँ, और आप वो कौन सी यूनिवर्सिटी बोल रहे थे? कुछ डेल्सन? हाँ, हाँ, यही नाम था। नहीं, उस कॉलेज का तो अच्छे रिजल्ट्स में नामो निशान नहीं है। हाँ, होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी कॉलेज में भी छोटे छोटे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है। Anyways, congratulations. बेटा, I'm really proud of you. Me too. Thank you. Dad, अब मुझे master's degree मिल गई है, तो अब मैं भी काम करूंगी। रहने दे काम करने की बात, घर में तो काम होता नहीं तुझसे, और बाहर काम करने की बात कर रही है, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, रेडियो जल्दी से मिठाई ला, हम सब का मुंह मीठा करवा। रेडियो, ये रेडियो भी ना एक तो सुनता नहीं है, और सुनता भी है तो बताता नहीं है। रेडियो। मैडम, यू आर स्वीटी। ए बेवकूफ, यू आर स्वीटी नहीं, ये स्वीट लो ऐसा बोल, अंग्रेज की औलाद, चल जा। मन का रेडियो बजने दे जरा। चुप, और कोई गाना नहीं आता तुझे? अब जा किचन में जा और अपना काम कर, जा। फुल टू एटीट्यूड, रहने दे जरा। रेडियो बन। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। ये लो, मुंह मीठा करो। ओ माय गॉड, क्या हुआ? 5 बज गए तो? 4:30 बजे से प्रिया वेट कर रही है मेरा। शी विल किल मी। क्या? बाय बाय। अरे सीमा, बात तो सुन, आने के बाद बताती हूँ, बाय। कमाल है ये लड़की। देखा आपने, इसकी यही रफ्तार से मुझे डर लगता है, पता नहीं इस जनरेशन का क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। ये जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे जैसा पिता चाहिए, जगदीश भारद्वाज जैसा। इन्हें जितनी ढील दो उससे दुगनी उनकी लगाम जो है वो खींच के रखो, बस फिर देखो क्या होता है। सीमा बड़ी हो गई है, नहीं अब वक्त को भी पर आने लग गए हैं, वो दौड़ता ही रहेगा। पर उसकी यही भाग दौड़ और मस्ती मजाक तो हमारे घर की रौनक है। पर अब वो दिन दूर नहीं जब कोई आएगा और उसका हाथ थामकर उसे हमसे दूर ले जाएगा। अब जब होगा तब देखा जाएगा, उसकी चिंता छोड़ो, मैं हूं ना।
कुछ नहीं, ये तो मैं इधर से गुजर रहा था, तुम्हें पढ़ते देखा तो मैं आ गया। देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो। कहाँ स्मार्ट, ये बुक है ना, उधर तुम पढ़ो इधर मैं पढ़ता हूँ। देखो तुम बदतमीजी मत करो। नहीं, बदतमीजी इसको नहीं कहते, बदतमीजी तो छूने से होती है। पकड़ उसको। छोड़ मुझे, छोड़, हेल्प, हेल्प, छोड़ मुझे, छोड़, हेल्प, हेल्प, हेल्प। Thank you so much. आप ठीक तो है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। And thanks a lot. No, it's okay. वो कुछ भी नहीं है। आप लोग ध्यान से जाना please, yeah? Excuse me. आपका नाम नहीं बताया आपने। विशाल, विशाल कुमार। Hi, I'm Seema. And hi Seema. She's my friend Priya. Hi Priya. Okay. Yep. Take care. Yeah. सुनाओ सर। चल गया जी अच्छे से। बरजोरी कर रंग डारे है सुनंद महर। बस। क्या नाम? ठीक है। संगीत क्या है वो मैं सिखाता हूँ। जी सर। पहले जोर में घोटाला कर डाला सर। संगीत सुनते सुनते दुनिया भूल जाना चाहिए। तू दुनिया को याद रखने में संगीत ही भूल गया, यही गाना भूल गया। मालूम है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सुरवाणी। सुरवाणी हर चीज सुर में होनी चाहिए। होनी चाहिए। हैं? तूने क्या किया? पहले ही गाने में सुर गलत कर दिया। कहां कहां से आ जाते हैं, सिंगर बनने चले हैं। हैं? कुछ होने वाला नहीं है। चल, अरे चल यार। चलता हूं सर। चल चल। अबे तू इतना अच्छा गाएगा तो मेरा क्या होगा है? हेलो विशाल बाबा, कहाँ है तू? अरे यहीं हूँ यार। क्या बात है, मूड ठीक नहीं ले रहा है? अरे वो एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिल के आया हूँ, साले ने दिमाग खराब कर रखा है। जी चाहा हारमोनियम उठा के फोड़ दूँ साले के सिर पे। समझ गया, फिर एक और पंगा। यार तू है ना, तेरा इससे जमने वाला नहीं है। तू ठहरा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। एनीवेज सब कुछ भूल जा, तू मेरा बर्थडे याद रख। कल मेरा बर्थडे, अगर तू नहीं आया तो केक नहीं कटेगी, समझ गया? हाँ बाबा मुझे सब कुछ याद है और मैं आऊँगा। हंस के भी बोल सकता यार तू, फोन पे सब दिख रहा है। आऊँगा बाबा आऊँगा, मैंने बोला ना। Hey, that's like my friend. चल बाय। बाय। विशाल का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिया। सीमा, अगर मैं बोलूं तेरा कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस सब मिल गया तो? कहाँ? वहाँ। चल चल चल। ये रिस्ट वॉचेस कहाँ मिलेंगे? अरे कहाँ गया? वो रहा। Oh, thanks. अरे जल्दी चल। अरे सीमा। बिल प्लीज। हाय विशाल। हाय प्रिया। Hi Seema, how are you? Good. Shopping? हाँ मेरे फ्रेंड की बर्थडे है तो थोड़ा गिफ्ट लेने आया था। अच्छा, I have an idea. यहाँ पे पास में ना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कॉफी हो जाए? उस दिन हमने ठीक से बात भी नहीं की थी, ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला था, है ना सीमा? प्रिया आइडिया तो अच्छा है लेकिन आज नहीं, आज मुझे मेरे फ्रेंड निहार की बर्थडे पार्टी में जाना है। निहार? कौन निहार? I mean, उसका सरनेम क्या है?
पटेल, निहार पटेल, आप जानती हैं उसे? The architect निहार पटेल? Yeah. What a coincidence. वो तो हमारा भी दोस्त है. Oh. हम लोग भी आ रहे हैं शाम को उसकी बर्थडे पार्टी में. Oh, wow. तब तब से कंफर्म मुलाकात होगी, है ना प्रिया? हाँ हाँ सीमा, क्यों नहीं, of course. Okay विशाल, see you then in the party, bye. Sure, see you in the evening, yeah, bye. Bye. कैसा है रे तेरा कॉन्टेक्ट नंबर? दोज नमस्ते टाइप्स. चुप, चल. मैं तैयार हूँ, चलो जल्दी. सुनो. हाँ. मैं कैसी लग रही हूँ? तुम? हम्म. ए ये सीमा इतनी खूबसूरत क्यों है पता है? बोलो. वो खूबसूरती उसके बाप से आई है इसलिए. अच्छा तो मुझसे क्या मिला है सीमा को? तुमसे क्या मिला है पता नहीं, लेकिन खूबसूरती डेफिनेटली मुझसे मिली है. ठीक है, जाओ अकेले पार्टी में. अरे यार मुझे नहीं आना पार्टी में, जाओ अकेले, नहीं आती मैं. क्यों गुस्सा कर रही हो इतना? यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, कमाल कर रही हो. एक छोटी सी तारीफ भी नहीं होती आपसे मेरी? तुम कैसी भी हो मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो बस. फिर से. गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो तुम पता है? ठीक है सुनो. मुझे लगता है अब सीमा की शादी हो जानी चाहिए. अरे क्या बात कर रही हो, वो तो बच्ची है अभी. कोई बच्ची बच्ची नहीं है वो, बाहर आने से फूल कब खिल जाते हैं पता भी नहीं चलता. चलो पार्टी में देर हो रही है, बाद में बात करेंगे. चलो चलो, चलो. आती हूँ. सब ठीक है? बिज़नेस अच्छा चल रहा है ना? नहीं यार मंदी चल रही है. अरे मंदी कहाँ है आपके लिए तो है? मेरे पास सब आपकी कृपा है. अरे आइए आइए वकील साहब, आइए आइए. नमस्ते भाभी जी. नमस्ते. कैसी हो बेटी, मजे में ना? हाँ. कहाँ है, कहाँ तू, तेरे तो दर्शन भी दुर्लभ है. अरे भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा है क्या कि वकीलों से दूर ही रहा करो, बिना बोले कहाँ फंसा देगा पता ही नहीं चलेगा. अब तो तू जरूर फंसेगा, तू आता तो नहीं है इसलिए केस तो बनता ही. हाय सीमा. हाय. चल ना निहार, सब लोग वहाँ पर हैं. जा बेटा. मैं ये कह रहा था तेरा जो केस चल रहा था. हाय निहार, हैप्पी बर्थडे. हे विशाल, थैंक्स फॉर कमिंग मैन. क्या बात है? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. दिस इज फॉर यू. इसकी क्या जरूरत थी? Handsome लग रहा है यार. वो मैं हूँ यार. Let me introduce my friend, राधिका. Hi. खुशी. Hello. Hi निहार. Hey hi. Many happy returns of the day. Thank you. Happy birthday. Thanks for coming यार. Hey, let me introduce my friend, विशाल. विशाल, ये सीमा है, ये प्रिया. सीमा जी नमस्कार, प्रिया जी नमस्ते. आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई. हमें भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई. क्यों सीमा? मतलब? आप लोग जानते हो एक दूसरे को? कमाल है यार. मेरे बट्टे पे मुझे उल्लू बना रहे हो. सॉरी यार. अरे नो प्रॉब्लम यार. ये लोग गॉर्जियस. ओके. अरे केक आ गया. मैं ये बताने भूल गया तुम्हें. अरे निहार. हाँ पापा. केक काटो अभी. हाँ पापा. प्लीज कम, प्लीज कम. आइए. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप लोग यहाँ पे बता रहे इस शाम को रंगीन बनाया. और इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक गाना सुना. अरे अरे एक मिनट एक मिनट, जब तक ये गाना नहीं गाएगा केक नहीं कटेगा. ओह दैट्स लवली. प्लीज प्लीज, अब तो गाना ही पड़ेगा. प्लीज बिलीव मी, आई टेल यू इज वंडरफुल सिंगर. मेरा दिल ये हर पल तुमसे नजरें मिलाना चाहे. मेरा दिल ये हर पल तुमसे नजरें मिलाना चाहे. होके रहो तुम आँखों से ओझल, मुझसे सहा न जाए. मेरा दिल ये हर पल तुमसे नजरे मिलाना चाहे. होके रहो तुम आँखों से ओझल, मुझसे सहा न जाए. तो है बेकरार यहाँ, कैसे तुम्हें हम बताएं. करते हैं तुमसे प्यार मगर
कहते हुए शर्माए। हम तो हैं बेकरार यहाँ, कैसे तुम्हें हम बताएं। हम करते हैं तुमसे प्यार मगर कहते हुए शर्माए। यादों में तेरी खोई रहूं मैं पल भर चैन आए। खुशी के वास्ते हम जहाँ पे भी खेल जाएं। तेरे करीब आने से हम सारे गम भूल जाएं। तेरी खुशी के वास्ते हम जहाँ पे भी खेल जाएं। तेरी खातिर मैंने जानम क्या क्या सपने सजाए। हो मेरा दिल ये हर पल तुमसे नजरें मिलाना चाहे। मेरा दिल ये हर पल तुमसे नजरें मिलाना चाहे। होके रहो तुम आँखों से ओझल मुझसे सहा न जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सीमा, ये तुम्हारे लिए था। अरे भाई रमेश भाई, डिनर विनर है कि नहीं? सिर्फ तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। चलो अब गाने से पेट नहीं भरेगा, उसके लिए खाना पड़ता है। चलो चलो। प्लीज एवरीवन कम फॉर डिनर। और जाने से पहले विशाल से मिलकर जाना, ऐसे ही मत चले जाना। ओके ओके सीमा। अच्छा प्रिया, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ले बेटा जूस पी ले। मॉम मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन से कपड़े ले जाऊं? देखो बेटा, कपड़ों से ज्यादा किताब पर ध्यान दो। तुम पिकनिक पे नहीं जा रही हो, पढ़ाई करने जा रही हो, समझी ना? हाँ माँ पता है। और यहाँ की तरह वहाँ भी दोस्तों के साथ घूमते मत रहना, पढ़ाई करना। ओहो। और ये पढ़ाई बढ़ाई हो जाए ना, बाद में अपनी शादी के बारे में भी सोच लेना। मॉम सोच समझ कर बता रही हूँ बेटा। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अब सीमा की शादी करवानी है, और तुम तो जानती हो उनके सामने न तुम्हारी पसंद न मेरी पसंद चलने वाली है। यू नो हिम। ओके मॉम, लाओ वो जूस दे दो। आपकी शादी की बातों से तो ये जूस ही मीठा है। पी ले। वैसे इस जूस से ज्यादा भी कोई मीठा है। आप अच्छा। अब ये मस्का लगाना बंद कर और ये सब जो बिखरा पड़ा है ना उसे जल्दी से ठीक कर। चल मॉम, जब मैं शादी करना चाहूंगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा। लव यू विशाल। हेलो। गुड आफ्टरनून मैडम, क्या मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, मैं सीमा जी बोल रही हूँ। सीमा जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ, हम लोग मिल चुके हैं और आपको मेरा चेहरा भी याद होगा। कुछ कुछ याद है, अच्छे बाल, डीसेंट चेहरा, विद नो सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। अच्छा सीमा, देखो मजाक छोड़ो, तुम कल जा रही हो और कोर्स पूरा करके जब तक नहीं आती
हम शायद मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ सीमा। हाँ विशाल, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। सी यू सीमा। बाय बाय। विशाल, तुम जानते हो प्यार क्या होता है? ऑफ कोर्स जानता हूँ। जिसकी सीमा बहुत विशाल होती है वही प्यार होता है। पर विशालता ही प्यार की सीमा क्यों? आई फील लव शुड बी बॉन्डलेस। ओ मेरी फिलोसोफर माँ, मेरी सीमा देवी, अब ये प्यार क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी क्या विशालता होती है, ये सब मैं क्या जानू यार, भाड़ में जाए सब कुछ। हाँ ठीक है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो यार प्यार करने के टाइम पे ये फिलोसोफियां निकल रही है। अच्छा मुझे बताओ, Do you know, मैं तुम्हारे प्यार में कब गिरी? गिरी? हाँ। ये गिरी क्या होता है? I fell in love with you ना। ओह अच्छा। निहार की पार्टी में जब तुम्हें पहली बार गाते हुए सुना तब। और उसी पार्टी में गाते गाते मैं भी तुम्हारे प्यार में गिरा। लेकिन चोट बहुत आई होए। लेकिन कुछ नहीं। हाँ हाँ, very funny। Thank you। पर विशाल तुम्हारी आवाज में सचमुच जादू है, कशिश है जो दिल को छू लेती है। जब भी तुम्हें गाते हुए सुनती हूँ तो दिल भर आता है। विशाल, आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप, जहां सब लोग सिर्फ तुम्हारा नाम ले, विशाल। एंड बाय द वे, आप बहुत सारे पैसे कमाओ और पूरी दुनिया घुमाओ मुझे। ओ भाई, ये सब हमको नहीं मालूम है। अब भविष्य में क्या होने वाला है आई डोंट नो, अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। अब कितना पैसा कमाएंगे, दुनिया आपको घुमाएंगे या नहीं आई डोंट नो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अभी तो मेरी पूरी दुनिया ही तुम हो। कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? वो बेंगलोर वाली जमीन का केस तो मैं हार गया। देख मैंने कहा था। अरे भाई तेरे जैसा वकील हो सामने तो भला कौन जीत सकता है। मैंने कहा था वो केस मुझे दे दे, लेकिन तू है मानने वाला। ठीक है, लेकिन तूने मुझे फीस के तौर पर इतनी बड़ी रकम बताई थी कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई था। देख बिजनेस में रिलेशन, दोस्ती, इमोशन कुछ नहीं होता, पैसा पैसा होता है। ये लो बस, इन्हें तो सिर्फ पैसा ही दिखता है। ऑफ कोर्स। अरे ये दे दो ना। लो साहब, ये लो पैसा। बिजनेस कार्ड, ये आए बाहर। ओ बुलाओ 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 जल्दी। कौन है? हमारे ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल वर्मा का इकलौता वारिस अभिषेक वर्मा। ओ हमारी सीमा के लिए। ओके आओ पधारो। अरे अरे। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, बैठो। शो कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे कब आए लंदन से? कल ही आया और आज रात को वापस जा रहा हूँ पेरिस। यू नो मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है वहाँ पे। आज ही? क्यों, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, टाइम इज मनी। नो इट्स ऑल राइट। एनीवे मीट माय वाइफ मीना। ओ हाय। एंड माय फ्रेंड रमेश। इनकी पेंट्स की फैक्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ 250 लेबर्स काम करते हैं। वेरी स्मॉल। बेटा वो जो फोटोज भेजे थे मैंने सीमा के, ईमेल किए थे, देख लिए? यस, शी इज प्रिटी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो क्या सोचा है बेटा? सोचा कि एक बार पर्सनली मिल लिया जाए। बाय द वे, वेयर इज शी? हाँ वो स्टडीज के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई है। व्हाट? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं यहाँ पे आता ही नहीं। दोबारा देख लेना बेटा, वो क्या ना जल्दी में। आंटी टाइम इज मनी। या दैट्स राइट, हम तुम्हारा टाइम लेके आएंगे। ओके ओके तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बेटे कुछ चाय नाश्ता? नो थैंक्स, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर आप उसे ले आए, उसका फोटो नहीं। बाय गाइस। अरे कितना घमंडी लड़का है, मुझे नहीं लगता कि सीमा की इसके साथ जमेगी। तुमसे पूछा मैंने? पूछा? पैसे वाला है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए? और नेचर? मुझे पता है मेरी सीमा के लिए कैसा लड़का चाहिए। आप चाय लीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, रहने दीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा।
बट जगदीश यू आर रॉन्ग. जगदीश इज ऑलवेज राइट. I'm in love. क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ. आप कहाँ थे? जगदीश के घर गया था. किसी लड़के को सीमा के लिए मिलने बुलाया था. What? सीमा शादी कर रही है? सीमा को तो पता ही नहीं उसका बाप लड़का देख रहा है. शायद उसे कुछ भनक पड़ गई है विशाल और सीमा के बारे में. ये सीमा और विशाल का जो चक्कर. पापा, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. लेकिन विशाल कुछ उम्र में बड़ा. What are you saying, पापा? प्यार की कोई उम्र होती है? आप भी कुछ भी बोलते हैं. अच्छा, प्यार की कोई उम्र होती है. देख तो, इधर आ. खड़ा हा? खड़ा इधर आ. बैठ इधर बैठ. घबरा मत. तेरा तो कोई चक्कर नहीं चल रहा है ना? नहीं. नहीं चल रहा है तो बता देना. नहीं चल रहा पापा. लेकिन सुन, पटेल की ही लाना. समझा? संगीता, रिंकू. Have it, man. Thank you. बड़ा खुश दिख रहा है तू. यार सीमा के मेरी जिंदगी में आने से बहुत खुश हूं मैं. एक कॉन्फिडेंस आ गया यार लाइफ में. ऐसा लगता है कि जीने लगा हूं मैं. होता है बेटा, होता है. आगे आगे देखो प्यार में क्या क्या होता है. तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस ब्रह्मांड के तुम ही मालिक हो. ऐसी ताकत महसूस होगी कि एक ही टक्कर में गेंडे को मार दोगे. हाँ यार, तू हंस क्यों रहा है? गेंडे को? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं. मैंने भी प्यार किया था. पागल हो गया था मैं. खुशी के मारे जैसे बावरा बन गया था. लेकिन सच बताऊं, बड़ी जल्दी मालूम हो गया कि खुशी विश्वास में है, अंडरस्टैंडिंग में है. सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं. आई नो यार, लेकिन आई एम वेरी लकी. सीमा में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी मैच्योरिटी है. एक दूसरे की आंख में देख के हम समझ जाते हैं क्या चाहिए. शी कैन नेवर मिसअंडरस्टैंड मी, नेवर. यार सीमा तो ठीक है, पर उस बापू वकालत सिंह का क्या? आजकल वो सीमा की शादी के लिए लड़के देख रहा है. वकालत सिंह अंकल? ओ अंकल वकालत सिंह. उनको तो मैं संभाल लूंगा. एक बात कहूं यार? हाँ बोल. सीमा की बहुत याद आती है, बहुत. ये सुबह की किरणें हैं या तुम मुस्कुराए हो, है लालिमा सूर्य की या मैंने कुछ कहा और तुम शर्माए हो, ये कोहरे की चादर है या मैंने तुम्हें ओढ़ लिया है. कैसा ये समा, चले ठंडी हवा, ऐसे में तू कहां पे तुम बरम मेरा. में धड़क
मुझे तो क्यों तड़पाए, क्यों तरसाए, तुझको तो पुकारे मेरी बाहें। कांपे तंबरम मेरा, कैसा ये समा, चला ठंडी हवा, ऐसा पर होली में ना धमाल करेंगे, किसी अच्छे से होटल रिसॉर्ट में जाएंगे। करेक्ट। विशाल, इसको क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, रोज ये सीमा के फोन पे चिपका रहता था, बहुत दिन से उसका फोन नहीं आ रहा है। तो भाई साहब के अंदर देवदास का दिलीप कुमार घुसा हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसके हाथों में बोतल की जगह सेलफोन है। अरे यार, यहाँ मुझे टेंशन हो रहा है, तू पढ़ा दिलीप कुमार, दिलीप कुमार करने, एक तो बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई। चिंतित बालक, चिंता तिता से पहले जलाती है, इसीलिए मनुष्य को चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करना चाहिए, सिर्फ कर्म करना चाहिए। मैं तेरे कर्म की तो ऐसी की तैसी। कूल डाउन, ये तो बहुत ही सीरियस हो गया यार। हाँ, आज सीमा का फोन आया था। अच्छा? वो तुझे सरप्राइज देना चाहती है। सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज? उसने हमें बताने से मना किया था, पर ये तेरी रोती सी शक्ल देखकर I obliged you. Aye, buddy. अरे? इतना अच्छा प्लान बनाया था, फ्लॉप कर दिया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा था। और मुझ पे क्या गुजरी वो पता है तुमको? I missed you, यार। I know, यार। यही देखना था। कैसे तड़पते हो मेरे लिए? कैसे तड़पते हो मेरे लिए? किसी दिन चला गया ना तब पता चलेगा तड़पना क्या होता है। अरे? कितने तड़पू किस्म के कपल है यार। हेलो, हम लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आई मिस्ड यू अ लॉट। मी टू। अब मुझे तुम्हारे डैडी से मिलने आना पड़ेगा। क्यों? अरे क्यों, तुम्हारा हाथ मांगने। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू सीमा। बोलो। अच्छा विशाल, मैं क्या बोला था कि होली में क्या क्या पहनेंगे हम लोग? अब बाद में देखेंगे, जाओ जाओ तुम, चलो भगो। होली में क्या? He's such a funny guy. तुम्हें पता है निहार क्या कह रहा था? क्या? We are the ideal couple. बस डर लगता है कभी कभी किसी की नजर ना लगे हमें। घर पे हो क्या? Yes. माँ बैठी है? हाँ। घूर रही है? फीलिंग्स मैगजीन पढ़ रही है। उनको पढ़ने दो, तुम मेरी फीलिंग्स पढ़ो। वही पढ़ रही हूँ। लव यू सीमा। लव यू टू। थैंक यू। ओके चलो बाय, रात को मिलते हैं। हाँ। सीमा, ऐसा क्या है मोबाइल में जो तू इतना मुस्कुरा रही है? विशाल, क्या? मॉम। मॉम, मुझे विशाल पसंद है। जानती हूं मैं, देखा था उस दिन रात को जब वो तुझे छोड़ने आया था। कितने टाइम से ये सब चल रहा है और तुम हमसे छुपा रही हो, और यही बात तुम्हारे डैडी को पता चल गई तो? नो वेज, डैडी से तो आप ही बात कर लेना। मॉम, मुझे डर लगता है डैडी से। क्या करता है विशाल? गाना गाता है ना। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो कहाँ रहोगे तुम? क्या खाओगे, क्या पियोगे, कुछ सोचा है तुमने? और यही सवाल जब डैडी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? बस
निकल पड़े प्यार करने। मॉम, म्यूजिक उसका प्रोफेशन है, पैशन है उसका। और कुछ? और मैं कुछ नहीं जानती। बाकी कुछ नहीं जानती मैं, ये क्या बात हुई? तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए तुम्हें। बेटा वो एक स्ट्रगलर है, हर एक मोड़ पर फेलियर देखता है, और ऐसे लोग फिल इन द ब्लैंक्स में माहिर होते हैं। देखो बेटा, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, नेवर टेक लव फॉर ग्रांटेड। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अंदर जा रही हूँ, बाय। ये नहीं सुधरेगी मॉम। वैसे डैड से तो आप ही बात कर लोगे ना, प्लीज। ओके, आई विल, थैंक यू। क्या बात है, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। तो फिर आपको इंप्रेस करने के लिए हमने ये वस्त्र धारण किए हैं। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना, कैसे अजनबी मिले थे हम। आज ऐसे लगता है कि जन्म जन्म का साथ है। ओ हीरोइन, ये क्या फिल्मी डायलॉग मार रही हो, कुछ ओरिजिनल लाओ, कुछ अपना। विशाल, हम शादी करेंगे ना, हम एक तो हो पाएंगे ना। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें शादी करने से रोक सके। हाय हाय, मेरा हीरो, अब ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। हाँ वो ठीक है यार। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ खाना तो ठीक से बना लेते हो ना। ऑफ कोर्स, क्यों। चलो ठीक है, मतलब शादी के बाद भूखा नहीं रहना पड़ेगा मुझे। ओ मैं शादी के बाद खाना वाना नहीं बनाने वाला हूँ, शादी के बाद खाना बनाएंगे आप। मैं तो सिर्फ ऑर्डर दूंगा, मुझे आलू पराठा चाहिए, मुझे आज खाना जल्दी चाहिए, मैं तो दबा के बस। हेलो, क्या हुआ। पापा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, मेरी शादी। मैं जानता हूं सीमा, और तुम भी जानती हो, और शायद तुम्हारे डैडी भी जानते हैं कि तुम्हारे जैसी पागल लड़की से मेरे सिवा कोई शादी करने वाला नहीं है। पागल कह रहे हो मुझे। ऑफ कोर्स, क्यों पागल नहीं हो क्या। हाँ हूं, तुम्हारे प्यार में। सीमा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, इसकी कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से दे रहा हूं, हाथ लाओ। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है तुमने आज। एक बात कहूं सीमा, आई लव यू, आई लव यू रियली सीमा। आई लव यू टू। लो मैडम, आ गया आपका घर। लव यू सीमा। ओ विशाल, अब तो इनसे बात करनी ही पड़ेगी। शराब पीता है। अब नहीं पीता वो शराब। तुम्हें नहीं पूछा मैंने। नहीं, शराब नहीं पीता। बैठो बैठो, मुझे पता था ये गड़बड़ जरूर होगी, और ऐसा ही हुआ। और नियार के बर्थडे के दिन गाना गाते सुना था उसे, अच्छा गाता है वो, अच्छा गाता है, कमाता क्या है। उसकी पढ़ाई का ठिकाना नहीं, नौकरी का ठिकाना नहीं, और करियर का ठिकाना नहीं, क्या करोगी उसके संग रह के, स्ट्रगल। डैड, मैं पढ़ी लिखी हूँ, काम करूंगी, कमाऊंगी, and I will support him। हाँ पता है मुझे,
तुम पढ़ी लिखी हो और शादी के बाद उसे कमा के खिलाओगी, वो क्या करेगा, लोरी गाएगा? देखो कलाकारों की कदर मैं भी करता हूं, बड़े बड़े कलाकारों को देखा है मैंने भूख से मरते हुए, खुद तो भूख से मरते हैं और अपने परिवार को गरीबी और भूख में झुलसता छोड़ के चले जाते हैं। बात करती है, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? आप एक बार उसे मिलकर बात तो कर लो ताकि वो क्या करूं उससे मिलके, जुगलबंदी? देखो बिना पैसे की झंकार के संसार से जुगलबंदी नहीं हो सकती, समझे? अगर संसार में रहना है पैसा चाहिए। क्या 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 पढ़ाई क्या की है उसने? साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है अंकल मैंने। साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन और गाना गाते हो, वाह जी। म्यूजिक में भी मास्टर्स किया है। एटीट्यूड दिखा रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी को दो चार गुलाब के फूल देकर, उसे दो चार झूठे मूठे सपने दिखाकर खुश कर दोगे? हैं? याद रखो सपनों की दुनिया से भी परे एक दुनिया होती है, हकीकत की दुनिया, कड़वी सच्चाई की दुनिया। कड़वी सच्चाई के तमाचे पड़ेंगे ना तो सपने टूटकर जमीन पर आकर गिरेंगे, समझे? मैं तो आदमी ही जमीन का हूं अंकल, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, आसमान पे नजर जरूर रखता हूं, लेकिन मैंने कभी सीमा को झूठे सपने नहीं दिखाए। पैसा है तुम्हारे पास? हाँ? क्या सिक्योरिटी है मेरी बेटी को, क्या सिक्योरिटी दे सकते हो तुम? हाँ? अरे गरीब हो यार तुम, निकलो यहां से। हूं मैं गरीब, लेकिन आपकी तरह मन का कंगाल नहीं हूं। बहुत आसान होता है आप लोगों को यह कहना कि ये गरीब है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं आप। मैं हूं गरीब और आप अमीर, जमेगी नहीं आपके साथ। एक मिनट, परिवार है तुम्हारा? परिवार से क्या होता है अंकल, प्यार परिवार नहीं दिखता। मुझसे दलील कर रहे हो तुम? ये मत भूलो पेशे से वकील हूं मैं, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं तो आपका दिल जीतने आया था अंकल, और सीमा के प्यार में सब कुछ हार दे। I am not an emotional fool, okay? मैं मानता हूं तुम सीमा के अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम जो रिश्ता बांधने आए हो ना, वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है और ना कभी बनने दूंगा। निकलो यहां से। विशाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं पापा से भी तो प्यार करती हूँ ना, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती। पापा ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया है और ये भी कहा कि ये शादी होने नहीं देंगे, उनको तो धरती पे लाना है एक दिन, बहुत इंसल्ट की है मेरी उन्होंने। वाओ, उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की, अब तुम उनकी इंसल्ट करना, बीच में पीसूंगी मैं। पर विशाल एक बार ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। विशाल वो तुमसे नफरत नहीं करते, हाँ मेरे पति के हैसियत से वो तुम्हें नहीं देखते, इतनी ही प्रॉब्लम है उनकी। डोंट वरी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो दिन आने में कहीं देर ना हो जाए सीमा। विशाल तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? वो मुझे रोड का लोफर समझते हैं, तो मैं एक दिन बताऊंगा कि लोफर क्या होता है। गॉड कितने स्टबन हो तुम। अच्छा ठीक है पापा को छोड़ो, मैं तुमसे वही सवाल पूछती हूँ, क्या करोगे शादी के बाद, कहाँ रखोगे मुझे? हाँ ओके, नो मोर सीरियस टॉपिक, कुछ अच्छी बात करते हैं। मुझे बताओ होली के दिन मेरे घर आ रहे हो ना? और डैडी ने गड़बड़ की तो? कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। सच्ची? हाँ बाबा पक्का। तो होली तुम्हारे घर पे? यस।
है हसी उस पे होली का सीन, और रुत है हसी उस पे होली का सीन, रंग डालो ओ बेबी समा है रंगीन, भंग की तरंग उस पे तू जो है संग, वेरी फनी हाय भंग की तरंग उस पे तू जो है संग, विश यू हैप्पी होली बेबी, यू नो व्हाट आई मीन, आई नो व्हाट यू मीन। मुख करो लाल बेबी, पूछो ना सवाल बेबी, गोरे गोरे कैसे रहे गोरे गोरे गाल बेबी, कालों को छोड़ दूंगी गाली की गुलाल बेबी, रंग डाला हम पे तो होगा पूरा हाल बेबी, तू जो है संग मन में उठे है उमंग, जो है संग मन में उठे हैं उमंग, विश यू हैप्पी होली बेबी, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे न शर्मा के मैं तो भर दू तेरी मांग बेबी, मौका है रंग वाले वरना सावन बीता जाए बेबी, सावन हो या भादो इसमें तुम क्यों हो भरमाए बेबी, हाथ न तेरे आने वाले ऊपर तोर नॉट ट्राई बेबी। चल मेरे संग मन में उठे है तरंग, नो वे हाय, चल मेरे संग मन में उठे है तरंग, विश यू हैप्पी होली बेबी, यू नो व्हाट आई मीन। रुत है हसीन उस पे होली का सीन, रुत है हसीन उस पे होली का सीन, रंग डालो ओ बेबे समा है रंगीन, रंग डालो रे ओ बेबी समा है रंगीन, कहीं भंग के गोले चढ़ गए रे, कहीं प्रेम के शोले बढ़ गए रे, कहीं गर्मी में ओले पड़ गए रे, मेरी जान के लाल पड़ गए रे, ओ मेरी जान के लाल पड़ गए रे, हाय कैसे हुआ क्यों हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, काश मैं वहां होती। मॉम डैड कैसे हैं? वो ठीक है बेटा, अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर ने कहा कि बच गए, वरना हालत और भी बिगड़ सकती थी। ये सब कैसे हुआ मॉम? उन्होंने जो भांग पी थी उसमें बहुत सारा धतूरा और बेहिसाब शराब मिलाई गई थी। ओह गॉड मॉम, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। विशाल, I can't believe this. Do you realize तुमने क्या किया है? क्या किया है मैंने सीमा? तुम्हारे वजह से आज डैड हॉस्पिटल में है। कुत्तों भांग पी ली, धोखे से उन्हें भी पिला दी। इतने से जी नहीं भरा ना? विशाल शराब भी पिलाई तुमने उन्हें? उनकी कंडीशन बहुत खराब है। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो उन्हें आसमान से धरती पर लाना था ना? सीमा, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था तुमसे, डैड के परमिशन के बगैर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे इस बदले की भावना ने विशाल मुझे डरा दिया है। सीमा, डैडी को भांग मैंने नहीं पिलाई थी, उन्होंने खुद पी थी।
शराब मैंने नहीं पिलाई थी, उन्होंने खुद पी थी। निहार ने ऑफर किया था उन्हें। किसके कहने पर? तुम्हारे। भांग किसके कहने पर पिलाई? तुम्हारे। नहीं सीमा। ये सब तुम्हारा प्लान था। तुम्हारे ऐसे बिहेवियर के बाद मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो सीमा? अरे मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो फ्रस्ट्रेशन में कहा था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उन्हें नुकसान पहुंचाने का। अरे यार मैं डैडी से माफी मांग लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहती। सीमा, आई लव यू सीमा, मैं सच कह रहा हूं। झूठ। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। यू डोंट ट्रस्ट मी एनीमोर। यू डोंट ट्रस्ट मी एनीमोर सीमा। If you don't trust me, then give me the bloody proof कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जरूरत नहीं समझती तुम्हें, अभी वो बदले की भावना बाकी है और अब मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। मुझ पे भरोसा नहीं करती, मुझ पे भरोसा नहीं करती। अगर मुझ पे भरोसा नहीं करती तो क्या कर रही हो तुम यहां पर? हर एक रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता खोखला होता है, बंधन होता है वो रिश्ता, आजादी नहीं होती उसमें। अपने रिश्ते का बंधन, आजादी चाहिए? लो, जिंदगी भर के लिए आजाद कर दिया तुम्हें। नहीं सीमा, नहीं सीमा, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं। आई थिंक हमें सीमा के घर पे जाके अंकल से माफी मांग लेनी चाहिए। अब माफी मांग लेनी चाहिए? उस वक्त नहीं सूझा जब तुमने ये कांड किया। माफी मांग लेनी चाहिए, ये तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से शी ब्रोक ऑफ विद मी, पता है? और मैं उस घर में जाने वाला नहीं हूं, मुझे वहां से निकाला गया है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं पता था कि यह मामला यहां तक सीरियस हो जाएगा। बट प्लीज, मेरी खातिर नहीं तो सीमा की खातिर चल के बात कर लेनी चाहिए। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली गिल्टी फॉर दैट। यार हो सकता है कि सीमा को भी अच्छा लगे और शायद उसका मन भी बदल जाए। मैं उसके घर नहीं जाने वाला हूं, बस फाइनल। सॉरी यार, मेरा माइंड कुछ और कहता है, हमें जाना चाहिए। प्लीज विशाल, तुम्हारे प्यार की खातिर। समय समय पर दवाइयां खिलाते रहना, खाने पीने के बारे में मैंने सब बता दिया है, बाकी सब ठीक है। हेलो, प्रिया ने फोन करके बताया कि अंकल घर पे आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि आज सुबह ही आए पापा। सीमा, तुम मुझसे पूछो उससे पहले ही बता देता हूं, मैं यहां तुमसे मिलने नहीं आया हूं, मैं अंकल से माफी मांगने आया हूं। आप मेरी बात तो आउट। अंकल वो गेट आउट। अंकल हम तो माफी मांगने आए थे आपसे।
सीमा, विशाल बहुत अच्छा लड़का है और अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। हाँ मैं मानता हूं कि उसने भांग पी थी, पर अंकल को भांग हमने पिलाई थी, वो तो हमेशा मना कर रहा था। हाँ उसके लिए माफी मांगने वो वहां पे आया था। डैडी को भांग तुमने पिलाई थी? हाँ यार। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, ये जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने विशाल को ब्लेम किया। Do you realize तुमने कितनी बड़ी गलती की है? आज तुम्हारी वजह से हमारा झगड़ा हुआ है। अब मैं उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वो कुछ नहीं सुनेगा। I know him। वो भी यही कह रहा था कि अब मैं सीमा और उसके परिवार से नहीं मिलना चाहता, उसके साथ अब सारे रिश्ते खत्म। सीमा प्लीज तुम जाके मिलो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो यार, आई एम श्योर वो मान जाएगा। सीमा प्लीज। कोई फायदा नहीं है, ये जो कुछ हुआ है उसके बाद डैडी मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे, और डैडी के खिलाफ जाकर कुछ भी करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। विशाल को मिलना नहीं है, डैडी से डर लगता है, उनके डर से शादी नहीं करनी। अरे तुम प्यार करते हो या मजाक करते हो? तुझे क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? प्रिया हर पल तड़प रही हूँ उसके लिए, और तू क्या सिखा रही है मुझे? मजाक तो तुम दोनों ने बनाया हमारे प्यार का। I am sorry सीमा यार, पर हमारी खातिर प्लीज उससे जाके मिलो, कहीं देर ना हो जाए यार। परसों विशाल ये शहर छोड़कर जा रहा है। विशाल मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। विशाल क्या तुम सच मुझे शहर छोड़ के जा रहे हो? विशाल मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, मैं अपने आप को पहचान गया हूँ सीमा, और तुम्हें भी जान गया हूँ। मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। विशाल कहाँ जाओगे, क्या करोगे? बहुत चिंता हो रही है मेरी, जहां भाग्य लेके जाएगा वहां जाऊंगा। अब तक मैं समझता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम मेरे लायक नहीं। तुमने है जो दिया हमें भूल पाए ना कभी, याद करके तेरा नाम जी रहे हैं हम अभी। क्यों ऐसा हो मंजिल थी सामने जब चल।
जाने क्यों। वक्त आगे बढ़ता गया और मैं कामयाब होता गया। आज मेरे पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो बस मेरा प्यार सीमा। और फिर तुम सब कुछ छोड़कर चले गए, तुम्हारे साथ खुशियां भी चली गई मेरी। फिर क्या, मैं समय की नदी में बहती गई और भाग्य के मवर में फंसती चली गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। रहने दो। बोलो ना, बोलो क्या है। क्या सीमा की जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और हमारे पास उसका कौन। तुम कहना क्या चाहती हो। विशाल का फोन आया था, उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है अपने घर पर। क्या जवाब दूं मैं। अच्छा, गुड, रियली गुड। एक म्यूजिक कंपनी का मालिक टाइम निकालकर हमें फोन करता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसी बहाने सीमा का दिल भी तो बहल जाएगा। चलते हैं। हाँ, लेकिन उसे कहना कि खाना अच्छा बनाए। हाँ, वेरी नाइस, दैट्स गुड। विशाल, आप अब भी खाना बनाते हो या भूल गए। अब भी बनाता हूँ आंटी, एक्चुअली मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। तुम अब तक शराब नहीं पीते। नहीं अंकल, और ना ही मैं पिलाता हूं। होली के दिन भी मैंने शराब नहीं पिलाई थी। एनीवे, प्लीज कंटिन्यू। विशाल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछो। हाँ, मुझे पता है ये क्या पूछने वाली है, कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो किससे होने वाली है, कौन है वो लड़की और कब तक होने वाली है शादी। am I right? शादी तो जरूर करूंगा सीमा से। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। हाँ, सरोवर, हो गया डिनर। वो दो कौड़ी का विशाल समझता क्या अपने आपको, मेरी बराबरी कर रहा है। तो पैसे क्या कमा लिए तो वो चाहता है कि वो गए और मैं मान जाऊं। लेकिन आप सीमा के बारे में तो सोचिए। सीमा, बेटा तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ प्लीज। सीमा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी वो। क्या हो गया तुम्हें है? सीमा विधवा है, समझे तुम, और हमारे घर में विधवा की शादी करने का रिवाज नहीं है। वो विधवा बाद में है, पहले हमारी बेटी है, उसे भी खुश होने का अधिकार है, उसके भी सपने हैं, अपने अरमान है।
क्या उसे फिर से खुश होने का कोई अधिकार नहीं? अब उसकी जिंदगी ऐसे ही कटेगी, समझी? उसको उसकी सारी इच्छाओं, आशाओं और सपनों को मार कर ही जीना होगा। पर ऐसा नहीं होगा तो मेरी ना कटेगी। कौन सी सदी में जी रहे वकील साहब आप? जमाना कहां से कहां पहुंच गया? और ये नाक का घमंड तो आप रहने दीजिए। अगर सर नीचा रखोगे तो नाक अपने आप सलामत रहेगी। इनफ! चिल्लाइए मत, ये आपका घर है, अदालत नहीं। और आज मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। आपकी जिद की वजह से सीमा ने बिना कुछ बोले एक ऐसे इंसान से शादी की जो उसके बिल्कुल लायक ही नहीं था। आपकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। वकील साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, हर केस जीतते हो आप, लेकिन आज अपनी बेटी का केस आप हार रहे हो। एक बार अपनी बेटी का केस जीता कर दिखाइए, तब मैं आपको सही वकील मानूंगी। क्या हुआ भाभी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? समझाइए अपने दोस्त को। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। बताइए ना क्या हुआ? विधवा 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 करके दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। समझाइए अपने दोस्त को। जगदीश, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या माहौल बना के रखा है घर का? सुना है सीमा की शादी के लिए तुम तैयार नहीं हो? ये क्या जिद पकड़ के बैठे हो तुम? अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम बच्चे को बलि चढ़ा रहे हो? ये मेरी बेटी और मेरे परिवार का सवाल है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है जरूरत, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे परिवार या तुम्हारी बेटी का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान की हजारों लाखों बेटियों का मामला है। और तुम्हें तो समाज की बहुत चिंता है ना? जब मीना भाभी से दूसरी शादी की थी और मेरे घर में पनाह ली थी, तब तो तुम्हें समाज की कोई फिक्र नहीं थी। याद है ना कि भूल गए? और ये भी याद दिला दूं कि आप महाशय भी विदुर थे। क्यों बात चुभी? ऐसे ही किसी मासूम बच्चे की खुशियों का गला घोटा चाहता है ना, तब उसकी आत्मा में भी खंजर उतर जाता है। फुर्सत मिले तो सोचना। चलता हूं। विशाल को बोला मैं मिलना चाहता हूं उसे। क्या करूं इस समाज का, क्या जवाब क्या दूं मैं इस समाज को? वो समाज कहां था अंकल, जब आपके दामाद ने आपकी बेटी को सरेआम तमाचा मारा था? कहां था वो समाज जब उसे ये कहा गया था कि औरत पैरों की जूती होती है? उसके चरित्र पे शंका की गई अंकल, कहीं नहीं था वो समाज। बदनामी से डरते हो अंकल? अरे हम इंसान ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, आपकी और मेरी क्या बिसात है अंकल। मैं सीमा को दिलो जान से चाहता हूं, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। आप मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। मैं आप पे कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता, मैं विनती करता हूं, सोच लीजिए अंकल। वो समाज कहां था अंकल, जब आपके दामाद ने आपकी बेटी को सरेआम तमाचा मारा था? वो विधवा बाद में है, पहले हमारी बेटी है, उसे भी खुश होने का अधिकार है, उसके भी सपने हैं, अपने अरमान हैं, क्या उसे फिर से खुश होने का कोई अधिकार नहीं? आपकी जिद की वजह से सीमा ने बिना कुछ बोले एक ऐसे इंसान से शादी की जो उसके बिल्कुल लायक ही नहीं था। आपकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। बेटा, अरे
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बैठो बैठो बैठो, क्या हुआ? ए बच्चा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? और बताओ ना क्या हुआ? चलो, एक बाप के नाते नहीं तो दोस्त के नाते जो भी है बेझिझक बताओ, बोलो क्या हुआ? दोस्त की हैसियत से जब आपकी जरूरत थी तभी तभी अपने साथ छोड़ दिया था। नहीं थे ना मेरे साथ तब। विशाल भी सब छोड़ के चला गया था। मैं उसको ब्लेम नहीं करती, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंची थी। पर आपके और उसके ईगो क्लैशेस में मैं अपना अस्तित्व खो बैठी। डैडी, मैं क्या? क्या? मैं अपने आप को खोजना चाहती हूँ, मेरे जीने की वजह ढूंढना चाहती हूँ मैं। okay. हाँ बच्चा। दूसरों के बनाए बंधनों से मुक्ति चाहिए, नहीं चाहिए बंधन डैडी, प्लीज नहीं चाहिए। मैं खुली हवा में उड़ना चाहती हूँ। हाँ बच्चा। टोटली इंडिपेंडेंट। डैडी, मैं जानती हूँ आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, पर वो प्यार कैसा जो अपनों के ही पर काटकर उन्हें उठने की आजादी भी ना दे पाए। वो तो स्वार्थ हुआ ना डैडी। बैठो। पर आप क्या उसके ईगो क्लैशेस में मैं अपना अस्तित्व खो बैठी। डैडी, आप क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरा दिल भर आया बेटा। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सच। मैं मानता हूं मैं पुराने ख्यालात वाला हूं, लेकिन नए जमाने को भी समझता हूं बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें खुशी देखना चाहा, सच। लेकिन बेटा, मेरी गलती यह थी कि तुम्हारी खुशी मैं अपने नजरिए से देखता रहा। ये बहुत बड़ी गलती थी। अब देखो ना, विशाल के बारे में भी मैंने जो कुछ भी सोचा गलत था। मुझे महसूस भी हुआ वो। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई बंधन नहीं होगा बेटा, सच। तुम विशाल से शादी करना चाहती हो ना? उससे शादी करो बेटा। मैं तुम्हारी और विशाल की शादी की अनाउंसमेंट सबके सामने करूंगा।
डैडी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है। आज तो सुबह हुई है बेटा। कभी धूप की गर्मी है तुम्हारी नजरों में, कभी छांव की राहत, कभी हल्के से मुस्कुराती तुम्हारी नजरें, कभी करती शिकायत। कभी तारे चमकते हैं तुम्हारी नजरों में, कभी समंदर का पानी, कभी इनमें गहरा राज छुपा है, कभी लंबी कहानी। भूल भुलैया में समझो हो गया हूँ गुम, तुम्हारी नजरों से नजरें मिला के गया झूम। चोरों का डेरा है तुम्हारी नजरों में, किसी माया का बसेरा है तुम्हारी नजरों में। झुके तो अंधेरा, उठे तो सवेरा, झुके तो तड़पाए, उठे तो तड़पाए, बावरा बनाए तुम्हारी नजरें, बावरा बनाए। मेरे रूप की नरमी से तुम्हारे अधरों पे बढ़े प्यार की चाहत। तेरी जुल्फ में उलझती मेरी ये सांसें, बड़ा देना शरारत। कभी ओ भी तो हो तुम्हारी देह की बाहों में, मैं पिघलती ही जाऊं। कभी यू भी तो हो तुम्हारी बहकी बातों से, मैं मचलता ही जाऊं। भूल भुलैया में समझो हो गई हूँ, तुम्हारी नजरों से नजरें मिला के गई झूम। चोरों का डेरा है तुम्हारी नजरों में, किसी माया का बसेरा है तुम्हारी नजरों में। झुके तो अंधेरा, उठे तो सवेरा, झुके तो तरसाए, उठे तो तरसाए, बावरा बनाए तुम्हारी नजरें, बावरा बनाए।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं एक ऐसे ट्रस्ट की स्थापना करने जा रहा हूं जो केवल विधवाओं की सुरक्षा के लिए, विधवाओं की सुविधा के लिए काम करेगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि यह काम मैं मेरे गांव से शुरू कर रहा हूं। और दूसरी खुशी की बात, आज मैं मेरी बेटी सीमा की सगाई विशाल कुमार से करने जा रहा हूं। विशाल कुमार, प्लीज ऊपर आइए। अरे नहीं 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 बेटा। अंकल, आपको और आंटी को मैंने हमेशा अपने माता पिता के स्थान पर देखा है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अरे नहीं नहीं बेटा। कि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। नहीं 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 बेटा, ये तो तुम्हारे अच्छे संस्कार है कि तुम माफी मांग रहे हो। तुम्हें पता है तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं थी बेटा। जी अंकल। सीमा मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने सोचा पैसा होगा तो सुखी रहेगी। लेकिन बेटा, उसी पैसे ने उसे बहुत दुख दिया है। सच। और मुझे पूरा यकीन है तुम उसे खुश रखोगे। खुश रहो बेटा। थैंक यू। अरे जगदीश, अभी भी लेक्चर पिलाओगे बच्चों को क्या? निहार, विशाल को बोलना कुछ गाना वाना सुनाए, खुशी का मौका है। विशाल, आज तो तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, गाओ गाओ गाओ। प्लीज बैठिए। बरसों हो गए किसी ने ये कहा हो कि विशाल गाना गाना। खैर, अब तो गाने की आदत भी नहीं रही। खुशी का मौका है पर गाने का मूड नहीं है। कुछ दिल की बात कहने का मूड है। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, चाहे इसका टाइमिंग गलत हो। फिर भी दर्द होता है, टीस उठती है, खंजर सा उतर जाता है सीने में जब किसी महिला की आंखों में आंसू देखता हूं मैं। अनगिनत महिलाएं हैं हिंदुस्तान में जो विधवा हैं। विधवा होना कोई कलंक नहीं है, विधवा होना उनके हाथों में नहीं है। अनगिनत घर ऐसे हैं, हजारों, जहां उनके आजादी का गला घोंट दिया जाता है, जीने का हक छीन लिया जाता है। अगर रंगीन कपड़े पहन लें तो चर्चा हो जाती है, किसी से हंस बोल लें तो बदनाम हो जाती है। घर की चार दीवारी से अगर बाहर निकल जाए तो उंगलियां उठ जाती है, किसी शुभ कार्य में शामिल हो जाए तो उन्हें अपशकुनी कहा जाता है। सांस भी अगर लें तो ढोंगी और अंधविश्वास से जुड़े हुए लोगों की मर्जी से। ये क्या हो रहा है, ये कैसी सोच है? ये सोच हमारे देश की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और अगर यही सोच है तो ये सोच को बदलना होगा, बदलना ही होगा इस सोच को। जो व्यक्ति किसी महिला को इज्जत नहीं देता वो किसी देवी के दर्शन या उनके पूजन के काबिल नहीं है।
उसे कोई हक नहीं बनता। माता जी के मंदिर में हर कोई सर नवाता है, हर कोई जाके सर झुकाता है, पर घर की लक्ष्मी जो घर को मंदिर बनाती है, उसकी इच्छाओं को रौंदा जाता है, जंजीरों में जकड़ा जाता है उसे। एक बात हमेशा याद रखें, जिस घर में एक औरत खुश नहीं है, एक महिला खुश नहीं है, उस घर से भगवान भी रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं भगवान भी। सीमा, मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, सबके सामने, कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, बेहद, और तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं मैं। पापा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। जिंदगी के ऐसे दौर से गुजरी हूं कि उसका जिक्र नहीं करना चाहती, पर आज आप सबके सामने भगवान से यही प्रार्थना है कि दुनिया की मेरी जैसी हर लड़की को विशाल जैसा इंसान मिले, जो जिंदगी की हर राह पर उसके साथ एक ढाल की तरह खड़ा रहे। और आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आज से, अब से, मेरी जिंदगी का हर फैसला मैं खुद करूंगी, मेरी जिंदगी की राह भी मैं खुद बनाऊंगी। और विशाल, आज मैं तुमसे कहती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। Love you, Sima. रुत है हसी, उस पे होली का सीन, अरे रुत है हसी, उस पे होली का सीन, रंग डालो ओ बेबी, समय है रंगीन, भंग की तरंग, उस पे तू जो है संग, वेरी फनी, हाय भंग की तरंग, उस पे तू जो है संग, विश यू हैप्पी होली बेबी, यू नो व्हाट आई मीन, आई नो व्हाट यू मीन। मुख करो लाल बेबी, पूछो ना सवाल बेबी, कोरे कोरे कैसे रहे गोरे गोरे गाल बेबी, बालों को छोड़ दूंगी गाली की गुलाल बेबी, रंग डाला हम पे तो होगा पूरा हाल बेबी, तू जो है संग, मन में उठे है उमंग, जो है संग, मन में उठे हैं उमंग, विश यू हैप्पी होली बेबी, यू नो व्हाट आई मीन।